आओ और आओ कैसे कैसा हो। है? मजा आता रात में दोस्त। क्या बात कर रहे हैं यार। चिकन विकन तो बड़ा मस्त रहा कल रात का। सॉलिड पार्टी हुई। ये सब क्या है? चार बच्चों को मारने के लिए इतने सारे लोग आए हो? सुबह जो जो खड़ा होकर यहाँ पर पिक्चर देखा था उन सबको खड़ा करो इधर। बुला बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर, चल बैठो यहाँ पे। ये तू क्या कर रहा है भाई? वीडियो बना रहा हूँ, फेसबुक में डालूंगा। डाल डाल, अपनी भी क्या वोट है, सबको पता चलने दे। चल डाल। सही बना रहा है। पहले कौन मारेगा? पहले मैं मारूंगा। भाई पहले मैं मारूंगा। भाई मैं मारूंगा। भाई मैं को चांस दूंगा। मैं मारूंगा। तू कराटे मास्टर है ना? हाँ भाई। हाँ, तेरा कराटे क्या है आज दिखाई दे। ए केतन इधर आ बे। मार इसको। ए आगे बार। अबे बेल्ट अप क्या दे रहा है, मारना। क्या बात है, जोरदार घोसा मारा। ये भैया बा कैसा मारा भी इसको, ये तो उठ के खड़ा हो गया। तेरी तो नहीं, दीदी को भी कॉफी दो। दीदी, आपके पति की वजह से उनसे कर्जा लेकर आज इस काम को इतना बढ़ा पाया हूँ कि आज भगवान की दया से मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे लिए एक देवी की तरह हैं दीदी, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। पति के मरने के बाद आप अभी भी वैसी ही हैं दीदी। आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बस दो तीन हाथ मारकर छोड़ देंगे। वो लोग बच्चे हैं दीदी, लेकिन आप बड़ी हैं, आप सब कुछ समझ सकती हैं दीदी। अंदर ले जाकर रख दे। दुबा चल इधर आ। आजा आजा ए मोटे, जल्दी आजा। आजा आजा, चल जल्दी आजा आजा। अरे इसको मैं मारूंगा। इसको मैं मारूंगा। अच्छा मोटे को मैं मारूंगा। मोटे को मैं मारूंगा। चांस है उसको मारने का। तू भाई सबके सामने मत मारना, बेइज्जती हो जाएगी। अंदर चलकर मारो मुझे। सबको पता है इसलिए तुझे यहां पे आया है। चल मार इसको। मैं मारूंगा। चल चल मत कर, मार जल्दी। मार मार भाई सबके क्या हुआ? मार पड़ते ही लगता है सब कुछ इसको याद आ गया। चल तू आ। रुक। हे बाला, धंजा को फोन करके पूछ वहां क्या चल रहा है। धंजा को गुस्सा कुछ ज्यादा ही, कहीं बच्चों को जान से मार दिया तो। ये देख, उसको बुलाया तो ये आजा 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 बकरे। चल तू ये अलाउ करते हैं भाई, इसको तो मैं ही मारूंगा भाई। मेरे को एक मौका दे दो इसको मारने का। देखने में तो ये सबसे ज्यादा चिकना लग रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई। मेरी चप्पल निकाल, चप्पल निकाल के दे। मारो मारो भाई मारो। दुबा, क्या हुआ? दुबा, क्या हुआ? दुबा, क्या हुआ? कितने क्या हुआ? ये कौन है? खून बह रहा है। अरे ये कौन है? फैमिली सेंटीमेंट लोग। कौन है तू? नहीं भाई, नहीं भाई। अच्छा दीदी की बेटी है तू? ये हटा। मैं आ गया हूँ ना। अरे दीदी की बेटी कितनी सुंदर है। अरे मैं सोने का तोता छोड़ के कौवे के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अरे दीदी की बेटी क्या चीज है? उसको भी देखा भाई। नहीं भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं भाई, चलो उसको कुछ मत बोलो भाई। भाई नहीं भाई, भाई नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मत बोलो उसको। भाई क्या कर रहे हो भाई? वो एक भाई, वो तो मासूम लड़की है भाई। भाई नहीं भाई, क्या मस्त माल है, छोड़ दो उसको। देखना क्या सुंदर माल है। Yeah!
कृष्ण राजेंद्र मार्केट पूरे कर्नाटक का सबसे बड़ा मार्केट और इसे केआर मार्केट या सिटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर चीज मिल जाती है, यहाँ हर दिन करोड़ों का व्यापार होता है। जब हमारे देश में पहली बार बिजली आई और बल्ब जला था तो यही मार्केट था, मगर यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों की जिंदगी में आज तक उजाला नहीं आया। इन लोगों की यही दुनिया है, माता पिता भाई बहन ऐसा कोई भी रिश्ता इन लोगों का नहीं है। डुब्बा केटा चेटा बोरी गुरु शिष्य ऐसा ही इन लोगों ने अपना अपना नाम रख लिया है। 12 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बुढ़े तक यहाँ काम करते हैं। बच्चों को डर रहता है और बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है, मगर जो जवान लोग होते हैं वो इन सबसे फ्री होते हैं। ये जो चार लोग हैं इनका ना कोई अता है और ना ही कोई पता, और इन्हीं चारों की कहानी है ये गोली सोडा। ये ले दीदी, थोड़ा ज्यादा दे दो ना। हाँ? तू अपनी बीवी के लिए गजरा लेकर जाता है इसलिए देती हूँ, दारू मांगेगा तो नहीं दूंगी, चल निकल। ओ आओ आओ, आज गठरी किस किसने उठाई है बताओ। मंजा ने 27, केतन ने 22, मैंने 18, अरे नहीं 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 नहीं, मैंने 21 उठाई। सबने मिलाकर कम से कम 85 गठरी उठाई है। हेलो हेलो, परसों किया था ना। थू तेरी तू। आपको नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं। आज प्याज का क्या भाव है? ए इधर आके सो रहा है, चल निकल। जितना काम करता है उससे ज्यादा सोता है, कल के बारे में जरा सोचना शुरू कर दो। हाँ, सारा पैसा जमा करके ICICI बैंक में अकाउंट भी तो खोलना है। बड़ा आया खुलने वाला, आईडी वाईडी है तुम्हारे पास? आईडी क्यों, बिना आईडी के अकाउंट नंबर नहीं खुल सकता। ओ दीदी जल्दी से दो ना, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम? फेयर एंड लवली लेने जा रहा है। किसके लिए रे? अपना मोटा गोरा दिखना चाहिए ना। क्या ये चेहरा,
एसिड से धोएगा तो भी गोरा नहीं होगा। टीवी में दिखाया 2 सेकंड में आदमी गोरा हो जाता है, तो फिर मैं 1 हफ्ते में गोरा नहीं होऊंगा क्या? हाँ मुन्ने, फिल्म में 3 मिनट में बच्चा हो जाता है, लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है क्या? आपको नहीं पता, ये सब जवान लड़कों की बातें हैं दीदी। आप दिन में पैसे गिनती रहती हो, आपको क्या पता? कुछ नहीं पता आपको। अरे मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग, चलो निकलो निकलो यहाँ से, भागो। पहले लुंगी संभाल फिर पुंगी बजाना, नहीं तो सांप आ जाएगा, समझा? क्या बे, मेरी लुंगी उंगी सब ठीक है? ये क्या यार, सब्जी के मार्केट में इतना फ्लावर कहाँ से आ गया यार? मजा आ गया यार। मेन रोड पे मेट्रो का काम चल रहा है ना, इसलिए सभी फ्लावर्स यूटर्न लिए हैं स्कूल जाने के लिए। अच्छा, इसलिए ये काला चेहरा वाला पाउडर लगाकर मैदा का आटा जैसा बन गया। तेरी फ्लावर आई है। ए जल्दी नीचे बैठो, नीचे बैठो। ए तांते तू भी नीचे बैठ, बैठ जा। अबे ज्यादा हंस मत दे। ए केतन तेरी फ्लावर आ रही है। ए नीचे बैठ। ये क्या बे, शॉक लगा हुआ कौवे की तरह सीधा हो गया ये तो। देखा भी नहीं इसको तो। हाथी को चूहा दिखा रहा है। ए मंजा तू भी आ जा, तेरी कमी थी इधर। इस ग्रुप में ना एक तू ही अच्छा है भाई। ये फ्लावर नहीं, फ्लावर के बुके कोई हाथ लगाया होगा। उसके पास ना फ्लावर है ना कोई बुके। बूट पहन कर जो जाते हैं उनको नहीं पटती, तो हम तो बिना चप्पल के जाते हैं, हमें कैसे पटेगी? ए मेरे पास एक आइडिया है, आलती पालती मेरी तेरी सालती। चुप कर, ये तांत्रिक अभी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ रहा है। उस फ्लावर में जो दिखेगा वही अपने मांजा का होगा। ठीक है ए तांत्रिक, आ जाओ चलो 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 चलो। ओके जा जा जा, जा। शे, ए, फिर से तांत्रिक, फिर से एक बार, फिर से करना तांत्रिक करना। अरे ओ तांत्रिक करना यार, अरे करना करना यार, एक बार एक बार और। रुक रुक, क्या हुआ? अरे क्या, कौन दिखा, कौन दिखा? ए देखो अपने मंजू की फ्लावर, पुराने जमाने का बैगन दिख रही है, लगता है बैटरी वीक है, सोडा ग्लास है। तुम लोग चुप रहो, मुझे नहीं चाहिए वो। वो सब हमें नहीं पता, कंडीशन पहले ही बताया था, उसके धुएं के अंदर जो दिखेगी वही तेरी है। फ्लावर चल चल छोड़ो ना। ए भाई चल अब अपना गाना शुरू कर दे। केतन, हेलो। ये चीका, हेलो। हेलो। ये दुब्बा, हेलो। हेलो। ये मंजा है, हेलो। हेलो। जानती हो हमारा मंजा तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा है। कौन है आप? जब से वो तुम्हें देखा है वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है। एनी प्रॉब्लम? वो तुम्हें बहुत चाहता है। हेलो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रुको 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 प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी मिस। देखो एक दिल के लिए एक ही फ्लावर होता है। एक दिल के लिए एक ही फ्लावर होता है? अरे धत, जिस फूल का पौधा है उसमें से वही फूल निकलेगा ना। अब जैसे कि गुलाब के पौधे से गुलाब ही निकलेगा ना। ए, ये क्या दीदी, आपको फ्लावर और दिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लड़कों का मैटर है, आपकी समझ में नहीं आएगा। हा? मुझसे फ्लावर के बारे में बात करता है तुझे तो मैं। अपने मांजा को तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली ने भी रिजेक्ट कर दिया,
यार तू उसे छोड़ना मत, कैसे भी करके मना लेना। अरे तुझे कैसे पता बन जा, दो ब्यूटीफुल फ्लावर को एक साथ तूने कभी देखा है क्या? हाँ, खूबसूरत फ्लावर ना हमेशा काली लड़की के साथ ही घूमती है ताकि लोगों के सामने उसकी वैल्यू बढ़ सके। हाँ अभी उस सबकी क्या जरूरत है? ओ अबे ये सब लड़कियों के तरीके होते हैं, मुझे सब पता है। तू एक काम कर, तू खूबसूरत फ्लावर को भूल जा और दूसरी वाली लड़की को तू पटा ले उस सोडा बुड्ढी को। कैसा लगा मेरा आइडिया? सोडा बुड्ढी के साथ फंसना चाहते हो क्या? शाम को लौटाना है और वो भी ब्याज के साथ साथ। चल निकल। ठीक है भाई। क्या हुआ रे? इसने जोर का धक्का दिया जीजा जी। अरे बच्चा है अभी, छोड़ो से। चल जा। बाप रे। है छोटे इधर आ। जी भाई। एक पैकेट सिगरेट लेके आ। ठीक है भाई। मालिक इस मार्केट में तो दूसरे लोग ही अपना परिवार चला रहे हैं। तुम लोग अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मेरे भाई जब तक आप हैं हमें दिक्कत हो ही नहीं सकती, हम जानते हैं। भाई ये लीजिए। तुम रख लो। यार बचा हुआ पैसा मुझे दे दिया। अच्छा? चल, चल, चल। क्या भैया चटनी कितनी खराब है, ताजी नहीं बनाई क्या? ए, चुपचाप खा लो। ए, क्या बकवास कर रहे हो? जैसा मिल रहा वैसा खाओ और दफा हो जाओ। दोपहर में आकर बोलते हो इडली अच्छी नहीं है, डोसा अच्छा नहीं है। झोपड़पट्टी के लोगों को दोबारा दुकान में आने मत दे रहा, समझा रहा? मोटे को तो अच्छी इज्जत मिली है। वो हमेशा ऐसी बकबक करता रहता है। चलो यार चलते हैं। नेक्स्ट टाइम देखना मैं क्या करता हूँ उसके साथ। ए, वो देख वो इस तरफ क्यों आ रही है यार। ए मंजा लगता है वो तेरे लिए आ रही है। अभी हाथ नीचे कर। हेलो 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 कैसे हैं आप? इसका बैंड बजा हुआ है आपको नहीं पता? जब से इसने आपसे प्यार करना शुरू किया है ना इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे रात में सोने भी नहीं देता है ये। हम कुछ भी करें इससे कुछ भी पूछे तो हम पर बेकार में गुस्सा करता है। इन्हें अगर गुस्सा आता है तो इसमें गलत क्या है? अच्छा दरअसल मुझे भी सारी रात नींद नहीं आई। अगर आप बहुत दिनों तक एक लड़की का पीछा करते हो, उसे प्रपोज करते हो, अगर वो लड़की मना कर देती है तो दिल कितना दुखता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है ठीक है। मेरी भी उम्र उतनी ही है ना, इसलिए मैं इसलिए पर अब क्या कर सकती हूँ, एक दिल का एक ही फ्लावर होता है यू नो। पिछले हफ्ते ही मैंने विख्यात को हाँ कहा था। विख्यात? हाँ, अगर उससे ही पहले ही आ गए होते तो हम दोनों का कुछ हो सकता था। भगवान, एक ही टाइम में दो लड़कों से प्यार करना गलत है ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए इस मांझा से प्यार करो, बाद में किसी दूसरे से शादी कर लेना। मुझे क्यों फंसा रहा है तू पागल? अरे 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 वो सब ठीक नहीं है, हम सब फ्रेंड बनकर रहेंगे ना, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हाथ मिला चलो। हेलो 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 हेलो। और हमारे मांझा का क्या होगा? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है पता है, उनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लो, बाकी हेल्प मैं करूँगी। यार लड्डू मिलने वाला है। अच्छा और मुझे क्यों सेलेक्ट किया बताओ? भैया क्या छल्ले निकाल रहे हो, एक बार और करो ना। अरे रे क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत अच्छे। भैया आई एम भगवती। आई एम मारी। ये तांत्रिक है। ओके मिस्टर तांत्रिक, इसी आइडिया को फॉलो करते हैं, क्या तुम लोग तैयार हो? ओके। यार ओ ये इसका नाम है चांदनी। चांदनी नाम तो मस्त है दोस्त। तुम लोगों की हेल्प तो कर दूंगी पर मुझे एक डाउट है, तुम्हारा प्यार तो सच्चा है ना? क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और अगर किसी दूसरी लड़की के साथ धोखा होगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। हेलो हम उस टाइप के लड़के नहीं है, बल्कि तुम कहती हो ना वन फ्लावर वन दिल, हम उस टाइप के ही है। ओके अगर ऐसा है तो मैं हेल्प करूंगी, चलती हूँ। जी 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 मेरे लव का कुछ ओहो
यहाँ हर एक दिल के लिए एक फ्लावर होता है ना? सही कहा। ओके ओके, ऐसा है तो एक और गन्ने का जूस पिलाओ। और तुम लोगों को कौन कौन सी लड़कियाँ पसंद है उनकी डिटेल्स मुझे दो। मेरी वाली तो कटरीना की तरह बिल्कुल हॉट दिखती है, इसी रोड से जाती है, खूब मस्त लगती है, मुझे देखकर हंसती भी है, मैं भी उसे देखकर हंसता हूँ। और तेरी वाली? उसका नाम रागनी है, बहुत अच्छी दिखती है। अच्छी मैचिंग है। तुम लड़कियों को वहाँ से देखते हो क्या? हाँ, क्यों? अरे क्यों, क्या हुआ? मुझे ही हंसी आ रही है, तो रम्या और रागिनी को तो हंसी आएगी ही ना? तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग तुम्हें देखकर नहीं हंस रही थी, तो फिर वो देखो, उस पोस्टर को देखकर हंस रही थी। अरे बाप रे, हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था यार। जाओ जाओ, वो उठाने का काम करते हो वही करो, तुम लोगों से ये सब नहीं होगा। अरे यार, यार माँ बिल्कुल ठीक कहती है, लड़कियों पर ना भरोसा नहीं करना चाहिए। तेरी माँ कौन है बे? अरे हाँ। दुनिया की सारी माँ ऐसा ही बोलती है यार। गरीबों का मालिक, हम लोगों के नायक, हमारे पूरे मार्केट के नायक हैं श्री गौड़ा जी। हर साल के जैसा इस साल भी इन्होंने सामूहिक विवाह आयोजित किया है। उनके हाथों से साड़ी और मंगलसूत्र लें और जोर से तालियां बजाएं। क्या इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह मार्केट की तरफ? कुछ नहीं गौड़ा जी, वो दिख रहे हैं ना फॉरेनर्स, कल रात को किसी ने उन लोगों का सूटकेस चुरा लिया। लेकिन इस इलाके में तो चोर बस एक ही है गौड़ा जी, लोग बता रहे थे वो आपके साथ घूमता रहता है ना, इसलिए यहाँ आ गया। कौन है वो? यहीं अपने ही लोगों के साथ घूमता रहता है, उसे लाने के लिए भेजा है। ये लीजिए, आ ही गया। सूटकेस चुराया तूने? बच्चे की एग्जाम की फीस भरने के लिए। तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे मांगता, चोरी क्यों? गौड़ा जी, मार्केट में आपके रहने की वजह से हम भी चैन से जी पा रहे हैं। hey, सूटकेस उन्हें वापस दे दो। ठीक है भाई। Thank you. मैडम, you be in police station, I will come. Okay, okay, okay. Thank you, Inspector. Okay, चलिए। चलता। तू मेरे साथ। hey, जरा जाकर सब ठीक करो। hey, बाला, यहाँ फंक्शन में काम है, तू कहाँ जा रहा है? क्यों इंस्पेक्टर, आपको सूटकेस चाहिए था ना, मिल गया ना? Hey, ले जाइए इसे। ए वहां देख। बेस की तो ए, वो आ रही है, आ रही है। ए रिंग बच्ची, ले ले ले। हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी मेरा फोन कहीं पर मिस हो गया है, आप कहाँ पर हैं बताएंगी? हाँ, ये केयर मार्केट के रोड पर पड़ा था। ओ, मैं मॉर्निंग में डिनर के लिए वहीं आया था, शायद वहीं कहीं गिर गया होगा। मॉर्निंग डिनर? मैडम आप बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लगती हैं। हाँ हाँ, अभी इस मोबाइल का क्या करूँ, कल आकर ले सकता हूँ क्या? पूछता हूँ कल आकर आपसे मिलकर मोबाइल ले सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, कल मेरा स्कूल है। कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो तब आप फोन करना, मेरे पास आईफोन है, ये मेरी माँ ने दिलवाया हुआ फोन है, अभी माँ नहीं है लेकिन फोन है। कल आप जब फ्री हो तो मैं एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है। ए, तुम्हारा नंबर बोलो। अरे वो मेरे ही मोबाइल से बात कर रही है। कोई दीदी का नंबर बोलो जल्दी यार, जल्दी बोलना। हाँ बोलो। 97। हाँ लिखो, 97। 31। अरे जल्दी बोल। 31। डबल जीरो। डबल जीरो। डबल जीरो। डबल जीरो। 02। 02। आपका नाम क्या है? अपना नाम बोल, दूसरे का नाम बोल, दूसरे का नाम बोल, दूसरे का। ए अप्पू बोल। अप्पू क्या? अप्पू नाम है। मेरे पिताजी को अप्पू बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम वही रख दिया। अभी अप्पू तो है मगर पापा नहीं है। आप मुझे कल कॉल करना, मैं कार से आऊंगा और साथ में डिनर करेंगे। ओके ओके ओके, बाय। मॉर्निंग में कोई डिनर करता है क्या बेवकूफ कहीं का? दीदी हम सब ने मिलकर आपका एक नाम रखा है। कैसा नाम? काली माला श्री। अगर तू काली शशि कुमार है
तो ही मैं काली मालाश्री बनूंगी। मस्का लगाना छोड़ और मुझसे क्या काम है जल्दी बता। एक 4,000 रुपया एडवांस चाहिए दीदी। क्यों रे, इतने पैसे क्यों चाहिए? आपका पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपके पास जो हमारा पैसा है वो मांग रहे हैं। कुछ नहीं दीदी, वो केले की दुकान चलाने वाला घोष है ना, वो दुबई जा रहा है, अब हम लोग उसकी दुकान संभालेंगे, तो उस दुकान के लिए बैंक लोन चाहिए। हाँ? बस इसीलिए। अरे वाह, तुम लोग खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हो? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। रुको रुको, मैं क्यों मना करूं? देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी, इन लोगों का ख्याल रखना। देखो बच्चों, तुम लोगों को तुम्हारे काम में कामयाबी मिलेगी। ये लो रख लो। थैंक्स दीदी। दीदी की जय। चिल्लाओ मत, निकलो जाओ। अरे चुप रहो, निकलो निकलो। अरे निकलते हो या नहीं? ये 1 रुपया रखकर मैं रजनीकांत के जैसा करूंगा। ए सालम, मैं तो साहिब बन गया। देखा तुमके स्टाइल कैसा धांसू लगता है। ए दीदी, why giving shocking reactioning? ये क्या हाल बना लिया तुम लोगों ने? आज हमारी मीटिंग है ना दीदी, इसलिए ये। किससे? वही बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया ना, तो लोग मीटिंग के लिए बुलाए हैं। ऐसे जाते तो देते क्या लोन, इसलिए ऐसा गेटअप लिया है। ठीक है ठीक है, वहाँ जाना है तो ऐसे ही ठीक होगा। अच्छा दीदी बताइए, हमारे लिए कोई फोन कमिंग? नहीं तो। देखो दीदी, हमने आपका ही नंबर दिया है, अगर आपको फोन आएगा तो अच्छे से बात करना, हमारी मीटिंग बर्बाद मत करना, समझी? मैडम ही फोन करेगी, तुम्हें कैसे पता? अपने को लाइन देने वाली मैडम ही है ना। लाइन? लोन लोन दीदी। अरे कपड़े बदलते ही पागलों जैसी बातें भी करने लगे। ए तांत्रिक सुन, ए तांत्रिक। तू? यस मी। ये नया अवतार में इधर कहाँ घूम रहे हो? इंडिया इज माय कंट्री, आई लव माय इंडिया, आई एम द बेस्ट। हे हे, फोन बजा फोन बजा फोन बजा। हेलो सर, है क्या? हाँ है। ये लो, कोई लड़की है, शायद बैंक की मैडम होगी। अपू सर बोल रहे हैं। हाउ आर यू जी? मैं ठीक हूँ। अच्छा अभी फोन किसने उठाया था? वो मेरे पीए। पीए क्या? फोन कब ले रहे हैं आप? आज ही लूंगा। ओके, तो कहाँ आ रहे हैं? दीदी मीटिंग कहाँ रखनी, पूछ रही है क्या? मंत्री मॉल। मंत्री मॉल में। मंत्री मॉल? मंत्री मॉल। हाँ ओके, तो कब आ रहे हैं? मैं 5-10 मिनट में आ जाऊंगा, बस वहीं पर आ जाना। सिटी मार्केट में मंत्री मॉल तक पहुंचने में 5-10 मिनट लग जाएंगे। एक्चुअली मैं अभी सदाशिवपुर में एक मीटिंग में हूँ, वो खत्म होते ही आ जाऊंगा मैं तो। 5-10 मिनट से लगेंगे। मी कमिंग। ओहो, मेरे पास तो कार है ना, ज्यादा चलता नहीं हूँ, और बस और बाइक्स तो मुझे पसंद नहीं है। क्या है भाई? फोन सर आपने पीए के हाथ में देंगे प्लीज? पीए को क्या? दीजिए ना, मैं बताती हूँ। अरे मैं क्या बात करूँगी उनसे? बात करो। हेलो हेलो पीए मैडम। देखो मैडम जी, वो लड़के बहुत अच्छे हैं, उनको बिंदास लोन दे दीजिए। हेलो माँ, मैं चांदनी हूँ। चांदनी, इन लोगों ने तुम्हें क्यों फोन किया? अरे रुको, मेरा पैसा लेकर मेरी बेटी को फोन करते हो? इधर बात है। अरे रुको, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक। अरे इतने दिनों से दीदी के पास काम कर रहे हो तुम लोग, चांदनी कौन है तुम लोगों को पता नहीं? चांदनी दीदी की दुकान में आती थी, हम उसे ग्राहक समझते थे। दीदी की इतनी सुंदर बेटी हो सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे बात वो नहीं है, अब दीदी को अपना चेहरा कैसे दिखाए वो सोच रहा हूँ। एक तो मैं इतने गहरे टेंशन में हूँ और तू कुछ और ही बक रहा है।
दे मुझे खाना है, भूख लग रही है। अबे ये ऑर्डर कब किया तूने? जब तुम लोग परेशान बैठे थे मैंने तब ऑर्डर कर दिया। खाने के मामले में नो टेंशन। अबे रुक जा भैया, बादाम पिस्ता वाला भी देना। अब जाने दो, अब हम लोग भी ऑर्डर करते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी ऑर्डर कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। दो वनीला, दो स्ट्रॉबेरी। हेलो हेलो, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, शायद कट हो गया। क्यों, विख्यात का फोन था क्या? उसका कॉल आया है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। मैंने बिल पे कर दिया है, तुम लोग खा लेना, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। ये विख्यात कौन है? हाँ कौन है यार, कौन है? इतनी देर होगी बादाम पिस्ता नहीं आया। अबे ये ऐसा है तो वो विख्यात कैसा होगा यार? ए, वो देखो SBM। मैं जानती हूँ, रोज अपना चेहरा आईने में देखती हूँ मैं। कोई भी लड़का मेरी जैसी लड़की की तरफ क्यों देखेगा? तुम लोग मुझे SBM कहकर बुलाते हो ना, जिसका मतलब सड़ा बैंगन वाला मुंह होता है ना? ऐसा नहीं है, असल बात तो यह है कि सॉरी। कोई बात नहीं मंजू, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो ये मेरी ही गलती है, पर मैं ऐसी दिखती हूँ इसमें मेरी क्या गलती? मैं ऐसी पैदा हुई इसमें मेरी गलती है क्या? जब मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं क्यों शर्माऊं? यार मुझे उसकी याद आ रही है। ए मेरा मतलब भगवती की। वो अपने लिए तो बुरा नहीं मानेगी, हम तो SBM करके ही बुलाएंगे। ए अब बस करो, मैं उसे लाइन मारूंगा करके बात हुई थी ना, तो अभी मैं वही करूंगा। ए दामू भगवती, जोड़ी अच्छी है ना? राजद्रोही, कनाडा पेपर में खाना बांध के देता है, खाने के बाद पेपर का क्या करते हैं पता है ना? हाथ पोंछ कर इसे कूड़े के डब्बे में डालते हैं। ए तांत्रिक है? अरे अपने बच्चे, तुम लोगों का प्रॉब्लम कोई बड़ा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता मैंने ही कराई थी। तुमने? वो कैसे? दोनों देश के प्रधानों को बुलाकर मैंने उनसे बोला, जिस दिन दोनों देश के गरीब पेट भर खाना खा लें उसी दिन युद्ध करना, ना तो गरीब पेट भर खाना खाएगा और ना ही युद्ध होगा। तब से आज तक कोई युद्ध हुआ ही नहीं भाई। अच्छा, हम लोगों की प्रॉब्लम अपने स्टाइल में मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बता। तो चलो रास्ता निकालते हैं। लॉटरी लग गई रे तेरी। क्या कर रहे तुम लोग? चल सर, क्या है, क्या हो रहा है? दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे। किसने पिया है? हम लोग डिसेंट में खाना खा के डिसेंट से आ रहे थे, तुम ही लोग मिडनाइट में मिड रोड पर, वो भी गाड़ी का हेडलाइट ऑफ करके खड़े हो। हेड ऑफिस में तुम्हारा कंप्लेंट करूंगा मैं। चुप बैठो, क्या कर रहे हो? चुप रहो, मरोगे क्या?
अब मरवा दिया ना। अरे रे, पकड़ा गया रे। मेरा पूरा दारू का बोतल रोड पर ब्लास्ट हो गया। 1 किलो चावल का 1 रुपया, वैसे ही 1 क्वार्टर का 2 रुपया होना चाहिए। हम 3 रुपए देकर सरकार को 1 रुपए का फायदा करेंगे। साहब के आने का टाइम हो गया, चुपचाप मुंह बंद कर उधर बैठ जा। लेकर गाड़ी नहीं चला सकता तो होम डिलीवरी करो ना, जैसे पिज्जा की डिलीवरी होती है। ये मार खाएगा। 40 रुपए देकर 4 आइटम देता हूँ। खाना खाने के लिए 80 रुपए देता हूँ। लेकिन क्वार्टर का समझ में नहीं आता, अभी तक कोई रेट ही सेट नहीं है। सर, आप मेरे बेटे को लेकर आए हो। क्या नाम है उसका? लक्ष्मी शाह सर। ये लक्ष्मी शाह। कौन है लक्ष्मी शाह? मैं हूँ सर। इधर आ, ले जा इसे। ये तो इतना सब कुछ हो गया फिर भी नहीं सुधरा। इन्हें वाला आदमी इंसान नहीं होता क्या? ये काम पहले ही कर दिया होता सर। सर, तेरा कौन है यहाँ पर? मेरे पति सर। क्या नाम है उसका? स्वामी सर। छे, बस यही काम रह गया है। स्वामी कौन है? जी सर। तेरी बीवी स्वामी स्वामी करके पूजा कर रही है, चल बाहर आ जा। जी सर। ए, शेखर कौन है? हाँ सर। जा, तेरा बाप बुला रहा है। तुम सब कौन है? सबका नया चेहरा दिख रहा है। तेरा नाम क्या है? मंजा। मंजा। तेरा नाम क्या है? केतन। है? केतन। ये कैसा नाम है बेटा? ये नाम किसने रख दिया तुम्हारा? है, तुम्हारा नाम क्या है? डुब्बा। तुम लोगों ने पुलिस वाले को समझ के क्या रखा है? क्यों रे, बाहर देखते हो तो कुत्ता मामा ऐसे नाम से पुकारते हो, और यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सर सच कह रहा हूँ, मेरा नाम डुब्बा ही है। आपका पेन बताता हूँ। तेरा नाम क्या है? ए, तेरा नाम क्या है? चीका। कहाँ रहते हो? मार्केट में। पूरा पता नहीं है क्या? मार्केट में है। सर, कौन है ये लोग? मार्केट के लड़के लोग हैं सर। वो मोटा जो उधर सो रहा है, उसने कल पी कर गाड़ी ठोक दी थी सर। छोड़ दो इन्हें। हे, उठो उठो सबके सब, उठो ना। अगली बार कोई भी दिखा ना तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। जाओ। ए गैंडे, चल उठ जा। यू डिस्टर्ब भाई, सोए हुए आदमी को तकलीफ देगा तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। तू मेरी कंप्लेन करेगा? क्या मालूम, जाना यहाँ से। सर नमस्ते सर, ध्यान नहीं दिया सर, माफ कर देना सर। सर ये लेकर जाओ। पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने से राज्य के सारे ट्रक वाले स्ट्राइक पर गए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसा ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गुणा शेखर जी का कहना है। देखो कैसे सोए हैं, सारे घोड़े बेचकर सोए हैं। ए, उठो जल्दी से, उठो जल्दी। अरे उठो कहा ना, देख मैं मसल दूंगी। सॉरी दीदी। बेटा लेकर आओ। कपड़े बदलते ही अंग्रेजी भी बोलने लग गया है। देख हीरो के जैसे पहना है। ए, सीधा बैठ। बड़े शौक चढ़े हैं ना, कल से कुछ खाया है कि नहीं? हाँ, चेहरे देखकर ही पता चल रहा है। अबे शर्माना मत, पेट भर कर खाना। खाने में चूहे का जहर देना चाहिए। माँ बस करो ना माँ, खाने दो इन्हें। एक दिन अगर इन लोगों ने काम नहीं किया तो खाने को नहीं मिलता है। लव करने आए हैं, लव, वो भी इस उम्र में। कौन है मेरा दामाद बनने वाला? मुझसे झूठ बोलकर मुझसे ही पैसा लेकर मेरी ही बेटी को लाइन मार रहे हो? मुनि वेंकट का नाम सुना है क्या? एक भरे हुए ट्रक को अकेले ही खाली करता है। एक बार उसे चिकनगुनिया हुआ था, बस तब से पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, टाइम हमेशा ऐसे ही नहीं रहता। ठीक है दीदी। क्या ठीक है? ट्रक वालों की स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी तो तुम लोग खाओगे क्या? बोझा उठाने के अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता। हाँ दीदी, हमें कुछ नहीं पता, हम मनात लोग हैं ना। अगर हम आपके घर पे पैदा होते तो चांदनी के जैसे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते थे। वही अगर चांदनी अनाथ होती तो चांदनी मार्केट में बोझा उठाती थी। अनाथ बनना हमारी गलती है क्या दीदी? जो कह रहे हो वो भी सही है, अनाथ बनना तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अनाथ होकर मरोगे तो किसकी गलती होगी?
क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? दीदी की बात याद आती है तो बहुत डर लगता है यार। सुबह 3 बजे तक तो लॉरी आती है, 8 बजे तक हम लोग काम करते हैं, उसके बाद हमें कुछ नया काम ढूंढना चाहिए। क्या तांत्रिक, तेरे को बोला कि कोई सैड सॉन्ग लगा, तूने आइटम सॉन्ग क्यों लगा दिया? मेरी मर्जी, तू जा बे। अरे जो मर्जी है वो कर यार। लेके जाओ 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, आओ बहन जी आओ, 10 रुपए, 10 रुपए। तो थोड़ा धीरे गिनो ना, मैं अपनी गिनती भूल रहा हूँ। 50, 100, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। अगर तुम लोग बिजनेस करना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कचरे में पड़ी सब्जी उठाकर नहीं, मेरे साथ चलो। चलो, इतना ही धंधा हुआ भाई, बारिश की वजह से पूरी सब्जी बर्बाद हो गई है। अरे तो मैं क्या करूँ, फालतू में रोता है क्या दीदी? कुछ नहीं, गौड़ा जी से मिलना था। हाँ, किस किस मंदिर में जाऊँ, सारे मंदिर तो होकर आया हूँ, मैंने एक ही मंदिर बनाया है। ये मंदिर वैसा नहीं है गौड़ा जी, बहुत ही पावरफुल है, वहाँ जो भी गया है उसको बच्चा अवश्य हुआ है। ठीक है, वहाँ भी होकर आ जाएंगे, आखिर उसमें क्या बुराई है। अरे दीदी नमस्ते गौड़ा जी, आइए आइए, ए चेयर लेके आ रहे। अरे कोई बात नहीं, हमें कैसे याद किया? ये लड़के हैं। हाँ, अपनी मार्केट में काम करते हैं ना? वही, जो कमाते हैं वो खाने के लिए भी कम पड़ता है, इसलिए मुझसे कोई मदद चाहिए क्या? कहीं से कुछ कर्जा दिलवाया तो ये लोग कुछ कर पाएंगे। कर्जा? कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? ये लोग कुछ पढ़े नहीं है, इन लोगों को चाहता भी नहीं है। लेकिन क्या है रे, चुप कर। क्यों, सेकंड तक पढ़ाया तू? नहीं नहीं, सेकंड क्लास में छोड़ दिया, ऐसा कह रहा है। लगता है इस पूरे ग्रुप में यही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ गौड़ा जी, आप कुछ मदद करें तो आपका नाम लेकर जाएंगे ये लोग। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। हाँ। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है गौड़ा जी, ठीक है। ए, गौड़ा जी ने पैसे दिए तो क्या करना है, क्या करने से फायदा होगा उसके बारे में कुछ सोचा है? बेकार में बैठने से कुछ नहीं होगा, समझे? माइक सेट साउंड सिस्टम में बहुत काम मिलता है दीदी, क्योंकि दशहरे के सीजन के बाद गणेश उत्सव, उसके बाद कन्नड़ा राज्य उत्सव, पूरे साल भर फुल बिजी। हाँ, साथ में SBM का शादी, चांदनी का शादी, उनके बच्चे का नामकरण, लाइफ पूरा बन जाएगा। हाँ हाँ, माइक सेट के साथ एक नाटक कंपनी भी खोल लो, रोज नाटक देखने को मिलेगा ना पागल। ए, एक आइडिया है, हम सब मिलकर लॉरी चलाएंगे, सब लॉरी खरीदते हैं और मिलकर बिजनेस करेंगे। अच्छा, धागे के लिए पैसा दिया तो तुम फूलों का हार लेकर आए, 10-20 हजार मिलने वाले हैं, लेकिन तुम लोगों का सपना लाखों का है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने वाला ऑटो रख सकते हैं ना, एक अच्छा सा फैंसी स्टोर खोल सकते हैं, कड़ा, बिंदी, काजल, पाउडर, फेयर एंड लवली। एक दिल के लिए एक फ्लावर, क्यों रे तू अपने लिए दुकान खोल रही है, फिर तो इनका बिजनेस हो गया। देखो, हम इस मार्केट को जानते हैं, यही हमारी दुनिया है, यहाँ रहकर क्या करना है वो सोचो। नहीं तो ठेला गाड़ी रख सकते हैं। अच्छा, मार्केट में सब तरह की सब्जियाँ मिलती हैं, लेकिन अच्छा खाना नहीं मिलता। ओ दीदी, आइए आइए आइए। दीदी, आपने जो बात कही थी मुझसे, उसी के बारे में सोच रहा था, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। 2-4-5 हजार मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इस फील्ड में ब्याज भी कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसा मत कहिए गौड़ा जी। दीदी, आज तक आपने मेरे सामने कभी कोई मदद नहीं मांगी है, जबकि पूरा मार्केट मुझसे मदद मांगता ही रहता है। आपको खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो दीदी, मार्केट के पीछे वाली रोड पर मेरी एक दुकान है, अभी फिलहाल मैं उसको गोदाम की तरह यूज कर रहा हूँ, अगर आप कहें तो उसका आधा हिस्सा इन दोनों को दे देता हूँ मैं, ये सब वहीं पर कुछ बिजनेस कर लेंगे।
बस हमारे कभी कुछ आदमी वहाँ आते जाते हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसका एडवांस भाड़ा कहाँ से लाएंगे ये लोग? दीदी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आपसे एडवांस में भाड़ा कौन मांग रहा है दीदी? पहले आप वहाँ पर कोई छोटा सा व्यापार शुरू कराइए, उसके बाद उसका भाड़ा वगैरह कैसे होगा सब बात नहीं करेंगे। गौड़ा जी, ऐसे ही आपसे जगह लेना ठीक है? मुझे आपसे कुछ लेना है ना, तो इस समय जो आपके पास है वो मुझे दे दीजिए, वही एडवांस हो जाएगा। आज तो मैं खुद ये मेरे पास एक वो क्या है, 1 रुपया दो मुझे 1 रुपया। राजू भाई। जी भाई। 1 रुपए अपनी दुकान का एडवांस। बहुत बढ़िया शगुन है भाई, रख लीजिए। ए बाला, नंदिनी को बोल दुकान की चाबी देने के लिए। SBM होटल नाम अच्छा है ना? अरे क्या तांत्रिक के नाम पर रखेंगे? सुपरस्टार होटल नाम अच्छा रहेगा। आपको होटल कैसा है? अपनी मिट्टी का पानी पीकर, अपनी मिट्टी का खाना खाकर, अपनी मिट्टी की हवा खाकर, अपनी मिट्टी वाले को ही धोखा देगा तू? Hey! तेरे जैसे को ऊपर भेजने के लिए भगवान ने मेरी रचना करके मुझे यहाँ नीचे भेजा है। Hey! चल मर जा। थैंक यू। गाड़ी लोगे तुम? कैसे? ये है आईडी प्रूफ, ये एड्रेस प्रूफ, ये गैस बुक और ये पासबुक। एनीथिंग यू वांट? सुपर। कल का स्पेशल चूड़ियां। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो? अरे वो दीदी के होटल के लड़के हैं, छोड़ दो उन्हें। मिठाई बांट रही हो, क्या बात है? मेरी बहन पेट से है। अरे काम छोड़कर क्या कर रहा है तू? ए तू क्या कर रही है? अरे दीदी क्या? आपको लोन मिलना मुश्किल है मैडम, मार्केट में दीदी होटल वाले हैं, अगर वो सिक्योरिटी देंगे तो आपको मिल सकता है। रहने दो, हमें गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। दीदी वो स्कूटी में स्कूल जाएगी तो हीरोइन के जैसे दिखेगी। गारंटी भी मांग रहा है वो, चलो दीजिए।
ए गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। ओहो ये बात है। इमंजा उधर देख शेखर आया है। इन्हीं की वजह से हमारा धंधा अब कम हो रहा है। अंदर चलकर देखते हैं। आजा। हाँ। अरे भाई यहाँ पर आए। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। यहाँ क्या कर रहा है शिखर? अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा काम निकल आया था तो यहाँ पर आ गया बस। होटल कैसे चल रहा है देखने के लिए आया है क्या? नहीं भाई, हमारा ही होटल है, चल निकल। ए चलो रे। भाई आइए ना, कुछ खा के जाइए ना। नहीं नहीं चलेगा, कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट टाइम हमारे होटल पर आए हो तो कुछ खा के जाइए। आइए ना भाई, चलना है क्या? बैठिए ना। बताओ कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है भाई। अच्छा बताइए क्या खाएंगे? चिकन कबाब ऑर्डर करते हैं भाई। वो तो हाँ भाई, अभी लाते हैं, लाता हूँ। अरे सुन, उस गाड़ी में कुछ बॉक्स पड़े हैं, लाके रख दे। ए जा खोल। ए दुपा जाके चिकन कबाब लेके आ, जा। हाँ उस कोने में रख दे। क्यों छोटे, खाना रेडी है ना? हाँ है ना सर, बैठिए ना। ठीक है। कब तक आने वाला है वो? बस आने वाला होगा भाई, बोला था आने को। क्या हुआ सर? छोटे हम आते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। अरे खाना बहुत ही अच्छा था। कितना हुआ? नहीं भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है चलता हूँ। ए तूने उनसे पैसा क्यों नहीं लिया? अरे उनसे कौन लेगा पैसे, हम क्या मुफ्त में खरीद के लाए थे? दीदी पूछेगी तो हम क्या बताएंगे? अरे ये बात दीदी को क्यों बताएंगे? अच्छा तेरे पास कितना पैसा है? क्या रे आज बिजनेस कम हुआ क्या? हाँ दीदी, मंदिर में भी तो प्रसाद बांटा जा रहा था ना, इसलिए लोग नहीं आए। जल्दी ला। ए इधर अभी तो होटल खोलकर सेटल हो गया ना, तो तू उसे सासू माँ बोल दे, तो कुछ भी करके उसे ओके बोल दे, अपन तेरे साथ है। अबे वही तांत्रिक पुंगी बजाना बंद कर। मंदिर जाते समय मैंने देखा गौड़ा जी के आदमी यहाँ आए थे, उनसे कभी पैसे मत लेना, उन्होंने ही ये जगह दी है इसीलिए हम जी रहे हैं। उन लोगों को खाना खिलाना कोई गलत बात नहीं है। ये लो दीदी। हुआ कि नहीं? बस थोड़ा सा ही बाकी है, मैं पूरा करके आती हूँ। ठीक है जल्दी पूरा करो। कल गौड़ा जी को भाड़ा देना है। क्यों, वो आकर मांग रहा है क्या? तो क्या नहीं देना है भाड़ा, इतनी बड़ी जगह दी है उसे मेहरबानी समझो। अब हम लोग भाड़ा दे सकते हैं, उससे ही तुम लोग खुश हो जाओ। कल जाकर गौड़ा जी को भाड़ा देकर आते हैं। ठीक है। दुबा और थोड़ा डालो क्या? दुबा हेलो। आ रही है, आ रही है। ओके ओके ओके। हेलो हेलो, अब मेरा फोन कहीं खो गया है। वो तेरे सामने वाला बात नहीं करेगा क्या? दुबा वो तुझसे बात करना चाहती है। नहीं 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 नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है, तुम ही बात करो। सुन सोडा, ये लड़के दिल खोलकर बात बताते हैं, अगर तुमने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुमने रेड सिग्नल दे दिया तो शॉर्टकट में दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, इसलिए जल्दी से ग्रीन लाइट ऑन कर दो। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने का इंतजार करो। आई विल थिंक। क्या बोली? कल तक का टाइम मांगा है उसने। अगर ग्रीन ड्रेस पहन कर आएगी तो मतलब ओके, और अगर रेड ड्रेस पहन कर आएगी मतलब ना होगा। और येलो ड्रेस में आई तो? हाँ मतलब प्यार करती है। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, कैसी गड़बड़? इसने तो ऑलरेडी एक लड़की को दिल दे दिया है। तो
वो लड़की ये जानती है क्या? डॉक्टर राजकुमार का बेटा। ओ, सबसे छोटा बेटा पुनीत राजकुमार। हाँ, उनके फैंस उन्हें प्यार से अप्पू बोलते हैं। हमारी चांदनी भी अप्पू को बहुत पसंद करती है। ओहो माँ, इतनी आसानी से चांदनी किसी को नहीं मानती। माँ चुप करो ना माँ। पता नहीं अचानक क्यों अप्पू अप्पू करने लगी। माँ मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। अरे चांदनी क्या हुआ? रुक मैं भी आ रही हूँ। एक दो चार पाँच छः सात। अरे रुक ना मैं भी आ रही हूँ। आठ नौ। क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे बताओ ना क्या हुआ। चांदनी अप्पू को बहुत पसंद करती है इसीलिए। चांदनी ना अप्पू की फिल्म देखना चाहती है। चलो बाय बाय। चांदनी आज से तो तेरा नाम अप्पू है, फिक्स हो गया भाई। पेपर में क्या लिखा था बे उसने? नहीं बता भाई। भाई आइए ना अंदर। आइए भैया। अरे अंदर नहीं, टेबल यहीं पर डाल दो, यहीं पे सही रहेगा। सही है ना? ठीक है भाई। चलो बोलो क्या खाओगे? गुरु चिकन कबाब मंगाते हैं। अरे उस दिन का कबाब खा के मेरा पेट खराब हो गया था। खाने में क्या है? गरम गरम सूप लाऊं क्या भाई? ठीक है चल ले क्या। गुरु पार्टी आ गई है। आने दे, तुम लोग जाओ बाद में आओ। नमस्कार भाई। बैठो। मीटिंग के लिए बहुत सही जगह है, किसी को डाउट ही नहीं होगा। हाँ जगह सही है, इसीलिए तो यहाँ पे बुलाया है। इसके बाद से सारी डील यहीं पे होगी। ए सुन। जी भैया। वो सारे बॉक्स उठा के गाड़ी में रख दे। ठीक है भैया। सब कुछ ठीक ठाक है ना? भरोसा नहीं है तो गिन लो बॉस, आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा कभी नहीं होगा बॉस, चलते हैं बॉस। ठीक है भाई। ये क्या भाई, पार्टी तो फॉरेन माल देके गया है। माल मस्त है, आज तो पार्टी मनाएंगे। ए छोड़े ग्लास ले गया। इसके साथ अगर चिली चिकन रहेगा ना तो मजा आ जाएगा। सही कह रहे भाई, मुंह से पानी आ रहा है। ए क्या हुआ? अब फॉरेन माल देखते ही ये मार्केट है, मैं भूल ही गया। अंदर जगह अच्छी है। ए बोतल लेके अंदर आ जा। बॉस संतु नागू को बुलाया है, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है आने दे। सारा मेहनत बेकार। वो उसने कहा था स्कूल होने के बाद ट्यूशन चली जाएगी। अच्छा ठीक। दीदी क्या? उन लोगों को बैठने दो, मैं कल आती हूँ। चल। नमस्कार गुरु। आजा आजा भाई। ए दो और ग्लास दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ भाई। ग्लास तो यहीं पर है। क्या बॉस पार्टी वार्टी चल रही है क्या? उसको कैसे छोड़ूंगा फिर मैं? हम गौड़ा जी के लोग हैं, इतना तो होना ही चाहिए। एक बहन से नहीं दोनों बहनों से शादी करवाई है।
ए चिकन कबाब ले क्या रहा? चिकन बिकन कुछ नहीं है यहाँ। चिकन की सारी दुकानें बंद हो गई है इसलिए वो। अरे 12 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। ए लड़के लोग। हाँ भाई। मजा आ गया यार, अभी तक तो तुम लोग बंद कर देते थे ना। हाँ भाई। ठीक है, लेट हो गया है, तुम लोग जाके सो जाओ। भाई वो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। आज एक दिन रूम में जाकर सो जाओ, सुबह आकर चाबी ले लेना। ए लाइट ऑफ कर दो। सब खत्म होने के बाद दरवाजा बंद नहीं किया तो? अंदर गैस भी है, ये कमीने लोग सिगरेट पी रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो। मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग जाकर सो जाओ। ठीक है, तू यहीं पे रुकना और चाबी ले लेना, और अगर चाहे तो सुबह तू आराम से लेट आ जाना। ठीक है ना। सीधे से बैठना। भाई सच बोलूं तो मजा आ गया। मैं चलता हूँ। चल भाई मजा आ गया। आराम से जाना। भाई कोई मिली नहीं तो मैं बस स्टैंड से इसे ले आया। अंदर लेके जा। आओ। कौन है बे? ए इधर आ। भाई चाबी दो ना। तभी से यहीं पर है या अभी आया है? उस औरत के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, तुम दोनों को श्राप लगेगा। अबे मेरे साथ उंगली दिखा के बात कर रहा है, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। छोटा बच्चा होके मेरे को उंगली दिखा रहा है क्या? ए अभी यहाँ से नहीं जाएगा तो तेरी जान ले लूंगा, समझा? ए, अरे लौड़ी आ गई, चलो उठो जल्दी उठो। नहीं उसको बेचारे को सोने दो। दुबा, ए दुबा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? ए दुबा बोल ना। ए दुबा क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? बोल क्या हो गया, क्या हुआ? मंजा, अरे बोल ना क्या हुआ? रात को क्या हुआ? होटल में एक औरत को वो लेकर आए थे। अच्छा।
उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अरे बेटा चुप रहे। क्यों चुप रहूं? उसने हाथ कैसे उठाया अपने डुब्बा पर? अरे गुस्सा ठंडा कर यार, अपने को होटल चलाना है। तो जाकर उसके पैर पड़े क्या? अपना होटल चलाने के लिए उसके पैर पड़ने के लिए भी मैं तैयार हूँ। सब लोग गुस्सा ठंडा करो यार, ठीक है ना? हो गई है और ग्राहक आने का टाइम हो गया है। उठ जाओ ना भाई, उठो ना भाई। केटा तू पूरी बनाने को ले और दुब्बा तू झाड़ू मार दे। अबे उठ ना। अबे चाबी देके जा। ए छोटे, थोड़ा पानी दे। हाँ ला रहा हूँ भाई। ए हाँ माचिस ले गया? अभी लाता हूँ भाई। तू नहीं, तू इधर आ। जा लेके जा। ये वो मुझे मारेगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। कुछ नहीं होगा, जाना तू। जा। देख भी नहीं रहा है। मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? नजदीक आ। रात को जो यहाँ पर हुआ वो किसी को बताएगा नहीं? तेरे साथियों को बोला क्या? नहीं। दम मारेगा? तेरे पे जवानी तो आई गई है, सब शुरू कर सकता है। कल रात को आई थी ना, बहुत मस्त माल थी। भाई आ जाओ भाई। क्या हुआ माँ? तैयार हो जाओ, गौड़ा जी को भाड़ा देने जाना है। दीदी दीदी। हाँ? हमारे होटल के पास झगड़ा हो गया है। ए, तुम लोग इस तरह बाहर क्यों खड़े हो? हाँ? और इस वक्त होटल क्यों बंद रखा है? हाँ? क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया बताओ? बता क्या किया, बता ना क्या हुआ? आराम से पूछो ना क्या हुआ है, क्योंकि जो भी हुआ इसमें इनकी गलती नहीं थी। ये कमीने यहाँ भी आ गए, जान से मार दूंगा इनको। क्या बात है दीदी? गौड़ा जी एक मिनट, आपसे बात करनी है। अंदर आइए। क्या बात है? अब कल रात ये किसी औरत को लेकर होटल में। कितनी बार बोला तुझे बस स्टैंड की औरतों को हाथ मत लगाना,
और कितनी बार तेरी गलती छुपाता रहूंगा मैं। और दीदी वही होटल में ही पीकर और वो कोई बॉक्स रखा है गौड़ा जी। देखे दीदी, पहले वो मेरा गोदाम था, जब भी माल आता था हम लोग वहीं पर रखते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी लोग वहां पीते हैं तो क्या गलत है, मैं नहीं पीता ये सभी जानते हैं। मेरे आदमी मेरे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बदले में उन्हें थोड़ा आराम चाहिए होता है, बस इसी वजह से वो लोग वहां जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वहां होटल में है। दीदी आपके लिए होटल है लेकिन इनके लिए गोदाम। इतनी बड़ी जगह मैंने आपको फ्री में दी है, मैं कोई पागल तो नहीं हूं ना दीदी, जो माल आता है उसके लिए गोदाम चाहिए, दिन भर तो फ्री ही रहता है। आपने ही आकर मुझसे इन लड़कों के लिए कुछ मदद मांगी थी, मैंने सोचा था कि इसी बहाने इनकी कुछ मदद हो जाएगी, इसमें कोई गलत है क्या? नहीं गौड़ा जी, आगे से ऐसा नहीं होगा, ये बच्चे। नहीं दीदी, एक बात जान लीजिए, मार्केट में मेरे पैसों के लेन देन का काम है, उसे ठीक से चलाने के लिए मार्केट के अंदर जो भी लोग मुझसे पैसे लेते हैं उनके अंदर मेरा डर होना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर पैसे पे ब्याज न मिले तो बिजनेस करने का क्या फायदा। मार्केट में कुछ लोग मेरा नाम सुनते ही डरते हैं और कुछ लोग इज्जत देते हैं। 4 दिन के बच्चों ने गौड़ा के आदमी को मारा है, ऐसा सुनकर मार्केट में क्या सोचेंगे लोग, क्या इज्जत रहेगी मेरी। इतने सालों से जो भी साख मैंने मार्केट में बनाई है इनकी वजह से बर्बाद होना नहीं चाहता। ए, तू चुप रह, ये गुस्सा वहां दिखाना चाहिए था, एक एक को मारकर फेंक देना चाहिए था, जहां खोया है वहीं ढूंढना चाहिए। दीदी आप बच्चों को लेकर होटल के पास जाइए, नंजा वहां जाएगा, इन बच्चों को 2-4 हाथ मारेगा, चुपचाप इन्हें मार खाने के लिए बोलिएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो मार्केट में फिर लोग बात करेंगे, गौड़ा के आदमी से पंगा लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। गौड़ा जी ए, लेकर जाओ इन्हें। गौड़ा जी मेरी बात तो सुन लीजिए। चल 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 निकाल निकाल। गौड़ा जी बाहर कर। दीदी आज ये सब होने दो, कल से होटल चला सकती हैं आप। ए नंजा, आज से सिर्फ रात को ही तुम लोग वहां जाओगे, ठीक है ना? जाइए दीदी। दीदी अगर मार खाने के डर से ये बच्चे वहां से भाग गए तो क्या होगा? दीदी मार्केट में जो अपमान हुआ है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो एक काम करते हैं, आप रुक जाइए, इनको वहां जाने दीजिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं आपको भेजूंगा, लेकर जाओ बच्चों को। नहीं, आगे बढ़ता रहे। दीदी निकल यहाँ से, छोड़ दो मैं भाई। दीदी दीदी छोड़ दो। ए जल्दी निकल बाहर, चल चल बाहर निकल। ए पांव में मेहंदी लगाई है क्या? चल उधर जल्दी, चल चल बाहर। कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, हम अभी आते हैं, चलो गाड़ी घुमा लो, चलो चलो। आओ आओ कैसे हो? मजा आ रहा है तो। चिकन विकन तो बड़ा मस्त रहा कल रात का, सॉलिड पार्टी हुई। ये सब क्या है, 4 बच्चों को मारने के लिए इतने सारे लोग आए हो? सुबह जो जो खड़ा होकर यहाँ पर पिक्चर देखा था उन सबको खड़ा करो इधर। चल बैठो यहाँ पे। ये तू क्या कर रहा है भाई? वीडियो बना रहा हूँ, फेसबुक में डालूंगा। डाल डाल, अपनी भी क्या वर्ड है, सबको पता चलने दे। चल डाल, सही बना रहा है। पहले कौन मारेगा? मैं मारूंगा। तू कराटे मास्टर है ना? हाँ भाई, हाँ। तेरा कराटे क्या है आज दिखाई दे। ए केतन इधर आ बे। मार इसको।
ए आगे बढ़। अबे बेल्ट अप क्या दे रहा है, मारना। क्या बात है, जोरदार घोसा मारा ये भैया। बा ए, कैसा मारा भी इसको, ये तो उठ के खड़ा हो गया। तेरी तो ए, दीदी को भी कॉफी दो। दीदी, आपके पति की वजह से उनसे कर्जा लेकर आज इस काम को इतना बढ़ा पाया हूँ कि आज भगवान की दया से मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे लिए एक देवी की तरह हैं दीदी, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। पति के मरने के बाद आप अभी भी वैसी ही हैं दीदी। आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बस दो तीन हाथ मारकर छोड़ देंगे। वो लोग बच्चे हैं दीदी, लेकिन आप बड़ी हैं, आप सब कुछ समझ सकती हैं दीदी। अंदर ले जाकर रख दे। दुबा चल इधर आ, आजा आजा, ए मोटे जल्दी आजा, आजा चल जल्दी, आजा आजा। अरे इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा। अच्छा मोटे को मैं मारूंगा, मोटे को मैं मारूंगा, जान से मारूंगा। तू भाई सबके सामने मत मारना, बेइज्जती हो जाएगी, अंदर चलकर मारो मुझे। सबको पता है इसलिए तो यहां पे आया है। चल मार इसको, मेरे से मारूंगा, चल चल मत यार, मार जल्दी, मार जल्दी, भाई सबके क्या हुआ, मार पड़ते ही लगता है सब कुछ इसको याद आ गया। चल तू आ। रुक हे बाला, धंजा को फोन करके पूछ वहां क्या चल रहा है। धंजा को गुस्सा कुछ ज्यादा ही, कहीं बच्चों को जान से मार दिया तो। ये देख, उसको बुलाया तो ये आजा 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 बकरे, चल तू ये अलाउ करते हैं। भाई इसको तो मैं ही मारूंगा भाई, मेरे को एक मौका दे दो इसको मारने का। देखने में तो ये सबसे ज्यादा चिकना लग रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, मेरी चप्पल निकाल, चप्पल निकाल के दे। मारो मारो भाई मारो। दुबा, क्या हुआ? दुबा, क्या हुआ? दुबा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन है? खून बह रहा है। अरे ये कौन है? फैमिली सेंटीमेंट लोग। कौन है तू? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। अच्छा दीदी की बेटी है तू? ये हटे। अरे दीदी की बेटी कितनी सुंदर है। अरे मैं सोने का तोता छोड़ के कौवे के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अरे दीदी की बेटी क्या चीज है? उसको भी देखा भाई। नहीं भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप मुझे जितना चाहिए उतना मारो भाई। नहीं भाई, उसको कुछ मत बोलो भाई। भाई नहीं भाई, नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मत बोलो तू। भाई क्या कर रहा है भाई? वो एक भाई, वो तो मासूम लड़की है भाई। नहीं भाई, क्या मस्त माल है, छोड़ दो उसको। देखना क्या सुंदर माल है। Oh!
इंस्पेक्टर, मार्केट में हो क्या? स्पॉट में ही हूँ। कुछ ज्यादा ही मार दिया क्या? थोड़ा ज्यादा ही मारा है। ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। जो भी खर्चा आएगा सब मैं दूंगा। चलो चलो बैठो, अंदर बैठो, जल्दी बैठ। बैठो। ए, तुम लोग कहाँ आ रहे हो? सर, इनकी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज सर। ए, जाओ यहाँ से। ए, बंद करो इसे। क्या बोला डॉक्टर ने? दीदी, दीदी आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? अंदर चलिए ना, कुर्सी पर बैठिए। बाला, एक कुर्सी दो। दीदी चलो। क्यों? अंदर चलो ना दीदी, बताती हूँ। चलिए तो। मुनी, गाड़ी निकाल। ए बाला, चल जल्दी, दीदी को लेकर आ जा। नमस्कार डॉक्टर, सबको ट्रीटमेंट दिया? हाँ जी, सबको ट्रीटमेंट दिया, किसी चीज की कमी नहीं हुई। नो प्रॉब्लम। ए, जाने दे अभी। हे हे, क्या हुआ? हे क्या हुआ? किसने मारा? किसने मारा तुम लोगों को? हाँ, किसने मारा? डॉक्टर, डॉक्टर क्या है सब? क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक मिनट। हे डॉक्टर, किसने मारा इन्हें? डॉक्टर, डॉक्टर ये मेरे लोग हैं। डॉक्टर बताता क्यों नहीं? उन लोगों को क्या पता होगा? तुम बड़े हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब किसकी इज्जत गई, उन लोगों की या तुम्हारी? कहाँ है वो चारों बच्चे? मेरे बच्चे भागने वालों में से नहीं है, तेरी तरह डरपोक नहीं है वो। दादाजी, लेकर आओ उन्हें। बोलिए गौड़ा जी। है, लाओ उन्हें, वो मुझे अभी चाहिए। मेरे पास पुलिस स्टेशन में ही। क्या बक रहे हो तुम, उन्हें बचा रहे हो क्या? नहीं गौड़ा जी, अभी तक एफआईआर नहीं बना है। आइए ना, बैठकर बात करते हैं। है, आने दो, मैं देख लूंगा उन्हें। गौड़ा जी, अभी एफआईआर लिखूंगा तो तुम्हारा पुराना सब बाहर आ जाएगा। है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। भाई, भाई, नंजा। क्या हुआ नंजा का? हॉस्पिटल में नहीं है, मेरे पूरा हॉस्पिटल देख लिया भाई। ए, क्या किया उसका?
दीदी उसके घर में है, उसके घर में है। तो फिर अगर दीदी आएगी तो ही मंजा मिलेगा, मंजा मिलेगा। तुम लोग जो कह रहे हो सही है, लेकिन होटल गौड़ा के नाम पर है। तुम में से कोई भी कंप्लेंट देगा तो भी मैं एक्शन नहीं ले सकता हूं, वो केस भी नहीं बनेगा। अब सुनो, मेरी बात मान लेना, मैं गौड़ा से बात करता हूं, उससे पंगा लिया तो यहां जीना मुश्किल है। बात मानो, ये गांव छोड़कर तुम लोग कहीं दूसरे गांव चले जाओ। और हमारा होटल? अरे मेरी बात मानो सर, आपके लिए एक नौकरी है, रहने के लिए घर है, आपकी देखभाल करने के लिए आपके माता पिता भाई दीदी सब लोग हैं, लेकिन हमारे लिए सब वो होटल ही है सर। ए, छोड़ दे। ए प्रसाद सर, उसे ले जाओ और घर पर छोड़कर आओ। ओके सर। जरा फोन दीजिए सर। हेलो, उन्हें नंजा दे दो। भाई मैं पहुंच गया। ए, नंजा को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मेरा रास्ता मत रोकना, मैंने पहले ही फोन पे कहा था, अगर मैंने इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो मार्केट का हर आदमी मेरे सर पर बैठकर सुसु करना शुरू कर देगा। गौड़ा जी, मैंने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है, मेरी बात मानिए। इन्हें सपोर्ट कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी। ठीक है, मुझे सब नहीं चाहिए। दीदी को छोड़ेगा तो नंजा को छोड़ूंगा, जिसने बोला था सिर्फ वो मुझे दे दो। कौन था वो? मैं भाई। नहीं नहीं, मैंने कहा था गौड़ा जी। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कहा था। क्या हुआ जीजा? कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को छोड़ना मत, वो लोग बचने नहीं चाहिए। उनके साथ क्या करना है मैं जानता हूँ, तुम फोन रखो। गौड़ा जी, वो होटल? पहले उन बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, बाद में होटल के बारे में सोचते हैं। हाँ गणेश सर, इन सबको अपने साथ लेकर जाओ, बढ़िया से खाना खिलाओ। ओके सर। फिर मार्केट में छोड़ देना। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे डुब्बा, SBM ग्रीन ड्रेस में आई थी, इसका मतलब वो मान गई है। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ है वो लोग? जहाँ आपने बोला था वहीं पर ले आया हूँ। Hey, चलो उतरो। वही उतरो ना, जल्दी करो। सुनिए, आपने हमें यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ दिया? Hey, बकवास मत कर, चल जा। आ,
मंजू ये क्या? उड़ा दूं क्या? अपने हाथ में खून नहीं लगना चाहिए। उनके हाथ पैर बांधकर अलग अलग ट्रक में डाल दो। उनका नसीब अच्छा रहा तो जी जाएंगे।
ए कौन है बेटो? तुम जल्दी स्कूल जाओ और याद रखो मार्केट की तरफ बिल्कुल मत जाना। गाड़ी की चाबी ले ली? ओहो नहीं माँ, आप लेकर आइए ना। कैसी लड़की है तू, सब कुछ मैं ही ला कर दूं क्या? ये किसकी फोटो लगाई है? अरे भगवान की फोटो भी लगा सकती थी ना। ये सब गली के लड़कों का मैटर है दीदी। मने इतना टेंशन में क्यों लग रहा है भाई? वो मेरी अच्छा तो ठीक से समझा ना भाई, वो लोग वापस लौट आए हैं। अरे कौन लौट आए? अरे वही चारों होटल वाले लड़के। क्या कहा, फिर से होटल खोलोगे? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है इतना सब कुछ होने के बाद। क्यों नहीं खोल सकते हैं दीदी, हमारे मेहनत की कमाई है ना वो। जीने के लिए हजारों रास्ते हैं, वो जगह उन लोगों की है। जगह नहीं होने से क्या होता है, हमें वो जगह नहीं चाहिए, हम वहीं पर एक नई जगह लेंगे। फिर से पंगा क्यों लेना है? जहाँ खोया है वहीं पर ढूंढना है दीदी। क्यों, उन लोगों ने जहाँ खोया था वहीं पर ढूंढ कर लिया ना, तो फिर हम नहीं कर सकते? जैसा हमें मारा है ना उन लोगों ने, अब उन लोगों को वैसे ही मार पड़ेगी। दर्द क्या होता है, खून क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, ये सब अच्छी तरह से उन लोगों ने हमें दिखा दिया है। देखो बच्चों, जानबूझकर आग में हाथ मत डालो। आखिर हमारी क्या गलती थी, इसकी क्या गलती थी बताइए, मार्केट में हमें आने नहीं दे रहे वो लोग। ऐसा नहीं फिर से कुछ हुआ। जिन लोगों का कोई नहीं होता उनका वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, हमें उनसे अपना हिसाब चुकाना है और हम ये करके ही रहेंगे। मानते हैं कि हम लोग उन सबको नहीं मार सकते हैं, लेकिन भाग जाए इतने बड़े कायर भी तो नहीं है ना हम। ओहो बड़े लोगों से पंगा ठीक नहीं। बड़े लोग मतलब? ओ अच्छा, उसकी उम्र हो गई है। बोलू क्या गौड़ा को, दीदी आपको बूढ़ा कह रही है। क्यों यार, अपन दीदी को एकदम फिट रखेंगे। क्यों गोंडा जी, हमने गेस किया था आप अकेले ही है नॉमिनेशन के लिए। गौड़ा जी के सामने रहते हुए उनके ऑपोजिशन में आखिर कौन खड़ा हो सकता है? वो तो पता है, फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए शाम तक इंतजार करते हैं, अगर कोई नहीं आया तो कल ही रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। गौड़ा जी, इस फाइल में फॉर्म्स हैं, ये लीजिए, इसे फिलअप करके मुझे दे दीजिए। सर नारियल पानी पियेंगे? नहीं गौड़ा जी, सोडा पियेंगे। अच्छा गौड़ा जी, आप इस पोजीशन में कितने सालों से हैं? करीब 15 सालों से। 15 सालों से आप भाई अकेले ही? सर ये लीजिए। लीजिए भाई आप। नहीं नहीं आप पीजिए। गौड़ा जी ये देखो कितना शांत है, ये थोड़ा सा हिलाने से ही ये ज्वालामुखी बन जाएगा, ये है गोली सोडा। क्या दीदी फिर से छेड़ने आई हो क्या मुझे? हमारा जो कुछ लिया है उसे वापस लेने आई हूँ। वो होटल क्या तुम्हारे बाप का है? वो सिर्फ होटल नहीं है,
हमारी जिंदगी है, हमारी पहचान है। मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या इंस्पेक्टर, क्या ये सब? मुझे क्या पता, मैडम ने कहा नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हम आए। नॉमिनेशन? इस मार्केट में मेरे अगेंस्ट खड़े होकर जीत सकते हो? जीत तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। एक भी वोट नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, इतने सालों से इनके सामने खड़े होने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर हम खड़े हुए तो आपकी हार पक्की है। 15 सालों से आपकी बनी हुई इज्जत की दीवार थोड़ी सी भी हिलेगी तो बहुत है। ए, ए, कैसे सर? कैसे हो सर? क्या हो सर? सब अच्छा चल रहा ना सर? नमस्ते गौड़ा जी। यही है तुम्हारे सामने खड़े होने वाला कैंडिडेट। जैसा तुम्हारा लेवल है ना, उसी लेवल के हिसाब से हम लोगों ने इसे चुना है। अबे चुप रह गौड़ा जी, ये आपसे वोट मांग रहा है। वोट हमने जो दिया उसे इतनी जल्दी भूल गया क्या? भूलने के लिए तुमने कोई सब्जी नहीं दी है हमें। ए, ए, शांत रहो गौड़ा जी, अभी छोटे बच्चे आपका सामना कर रहे हैं, इनके बड़े होने तक सावधान हो जाइए। तो तुम चाहते हो कि मैं इन बच्चों से डर जाऊं? सेटलमेंट करने के लिए सारा मामला रेडी कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? गलत कर रही हो दीदी, युद्ध के लिए तुम हाथी के सामने खड़ी हो रही हो, चींटी के सामने नहीं। मेरे पास उसे वश में करने की शक्ति है। ए, तेरी शक्ति मेरा बाल भी पाका नहीं कर पाएगी। ए प्राइम मिनिस्टर बहुत देर से आ चुका है यहाँ पर। नमस्ते गौड़ा जी। नमस्ते। क्यों गौड़ा जी, अपनी दाढ़ी अपने इतनी बड़ी बड़ी कर ली है? अपने गौड़ा जी के यहाँ एक छोटा गौड़ा जी आने वाला है, उसी खुशी में। ओ, तब तो हमें एक और वोट मिल जाएगा। गौड़ा जी, बात यह है कि आपके पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें हमारी पार्टी में ही रहना चाहिए, तभी तो हमारी पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। मार्केट में 300 दुकानें हैं, समझ रहे ना? 400 से 500 परिवार आपके पीछे खड़ा हुआ है। जीतना तो छोड़िए गौड़ा जी, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता कोई, इस बार आप ही जीत रहे हैं ना। अब ये बैठ बे। कहाँ जा रहे हो? क्यों बे? मार्केट में शूटिंग चल रही है, बहुत सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं। शूटिंग? रेडी स्टार्ट सॉन्ग। दीदी का होटल कल से दोबारा शुरू हो रहा है। इडली के साथ चटनी फ्री, पूरी के साथ भाजी फ्री, चावल दाल के साथ पापड़ अचार प्लस वाटर फ्री। शुरू करने वाला श्री 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 चिरंजीवी माजी आलियास तांत्रिक। आया तो मैं हूँ। आपका स्वागत करने वाला मंजा केटा दुबा चीका। ये सब क्या हो रहा है, क्या प्लान है तुम्हारा? तांत्रिक, तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, पूरा मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में है, हमारा होटल तुम्हें दिलवाना ही होगा। Hey, तुम सब मिलकर मुझे डुबाने के लिए सोच लिया है क्या? क्यों अब आ?
प्लान ए प्लान ए मतलब ये लोग मिलकर कुछ करने वाले हैं, मुझे भी इन लोगों के साथ रहकर हिम्मत दिखानी होगी। प्लान बी कोई साउंड नहीं आ रही है, लगता है प्लान में कुछ चेंज है। ये लोग कहाँ गए? मेरा प्लान सी। अरे बाप रे, मर गया जल्दी। नमस्ते साहब। ए, तेरे को मैं ही मिलता हूँ। आप पी तो रखी है, क्या कर लोगे आप बताओ ना। मिले कि नहीं? आगे पुलिस वाले हैं भाई। पहुँच कितनी भी देर होने दो, उन लोगों को छोड़ना नहीं बोलता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी आ रहा हूँ। लाइट किसने बंद की? है, किसने लाइट चलाई? बंद करो। ये क्या है जी? दीदी आप चलिए, ये चलिए, सब कब से शुरू किया आपने? आप चलिए ना, लोगों को कल सुबह मंदिर जाना है। चलिए चलिए प्लीज चलिए, बंद कीजिए। चलिए सर। क्या हुआ, बहुत तेजी से भाग रहे हो? सर इस बार तो पुलिस टाइम पर आ गई, मुझे लगा फिल्मों की तरह पुलिस इस बार भी लेट ही आएगी। अभी कहां खत्म हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। सब लोग यहीं पर हैं, इसका मतलब गौड़ा घर में अकेले ही होगा। डाल दे अंदर। तू पागल हो गया क्या? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुझे डर लगता है तो बोल, मैं करूंगा। लड़के रात में घर आए क्या? लेट से आए थे माँ, ऊपर सो रहे हैं।
क्यों? रात को लेट क्यों आए थे? एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था दीदी, वही करने गए थे। क्या बात है, सब जोश में लग रहे हो? अब से पूरा मार्केट ही जोश में रहेगा। ये क्या कह रहा है तू? वो क्या है ना दीदी, वो मैं दीदी वो मैं ए क्या हो गया रे, ये कर रहा है? माँ मैं स्कूल जाती हूँ, टाइम हो गया है। क्यों, एक दिल के लिए एक फ्लावर, तेरे बाल बनाकर तुझे भी फूल बांधूं? मेरे साथ इस तरह का मजाक नहीं करने का। दीदी 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 क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? जीजा 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 आप ठीक तो है ना? जीजा जीजा क्या हो गया? हेलो, चल जल्दी बैठ। अबे मेरा थोपड़ा क्या देख रहा है, उठा उसको। चल 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 ए रुक, भागो जल्दी, पकड़ उसको। कहाँ भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो? छोड़ा मारी है, पकड़ो। रुक, चल। तलवार लेकर आ, लेकर आ जल्दी। कहाँ भाग रहा है? रुको रुको, जल्दी आ, चल। अब क्या करूं? ए, ए, आ, आ, छोड़ माँ।
अरे बच्चों, पवित्रा कहाँ जा रही हो? देखो मेरे पापा आए हैं। बच्चा सोचकर छोड़ दिया तो मेरे ही घर में घुसेगा। अब तक तुम लोगों ने सीधे साधे गौड़ा को ही देखा है, लेकिन एक गुस्से वाले गौड़ा को नहीं देखा है तुम लोगों ने, आज दिखाता हूँ। आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने आए हैं? हेडमास्टर का रूम वहाँ है, वहाँ जाकर ले लीजिए। पापा पापा, ये दीदी ना मुझे डेली ट्यूशन पढ़ाती है। चलो बच्चों आ जाओ, पवित्रा तुम भी आ जाओ। बेटा तुम अभी क्लास में जाओ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। वही है सर। ओ मिस्टर, एक मिनट। अपनी बच्ची को स्कूल में ज्वाइन करवा के आपने आना ही छोड़ दिया? आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। हे, दो चाय लेकर आओ जल्दी। इस घोड़ा को क्यों समझ रखा है तुमने? चलो दूंगा। छोड़ो से, छोड़ो से, नहीं, घोड़ा छोड़ो से। भाई भाई भाई, दरवाजा खोलो भाई भाई। अगर आप मुझे मार देंगे तो आपकी बेटी को पढ़ाएगा कौन? अगर आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं तो ये खून खराबा छोड़ दीजिए। ए, साइड हो, चल हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। अरे हटो, अरे हटो ना, चलो दूर हटो।
खोलो इसे। दरवाजा खोलो। बच्चों दरवाजा खोलो। बच्चों क्या समझ रखा है तुम लोगों ने गौरा को? ये क्या हो रहा है? जीजा रास्ता छोड़ो। तुम ठीक हो? छोड़ेंगे बहुत मारा ना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। इनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मारा कैसे आपको? ये हमारा गुस्सा नहीं जानते। जाओ जैसे जाओ जाओ चलो जाओ जाओ चलो चलो भाई मना कर रहे हैं। चलो 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 मार चलो चलो भाई ने भाई ने माफ कर दिया माफ कर दिया। मैंने कहा था ना मेरी बात नहीं मानी। बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। कहा था ना। चलो चलो बैठो चलो। सुन लो, शटर ओपन हो गया तो तुम सब मरोगे। हम लोग कचरे में पैदा हुए, कचरे में जाने से हम डरते नहीं है, लेकिन हम तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेगा? क्या तेरे सर का बाल काटा है, अब तेरा सर काटने में कितना देर लगेगा? तू अभी तक नहीं समझा ना? हमने क्या खोया तू अभी तक नहीं समझा ना? लॉरी के ड्राइवर ए छोटे ए बच्चे ए कुली जैसे बुलाते थे, मगर अब दीदी के होटल के लड़के हैं हम लोग। इसी होटल से हमारी पहचान बनी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है जानता है? किसी एक की पहचान को मिटाना। इस शहर में तेरी इज्जत है ना, लोग तुझसे डरते हैं ना, पर अब देखना मार्केट में तेरी इज्जत को नंगा कर देंगे हम, बर्बाद कर देंगे तुझे। हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की थी ना, अब हम बताएंगे कि हम क्या चीज है। पूरा मार्केट तुझे इस हाल में देखेगा तो क्या होगा तेरा पता है? हमें मारकर बिना कपड़ों के रास्ते पे फेंक दिया था ना, अब तेरा भी वही हाल होगा देखना। ए बकवास मत करो, चट्टी उतारो इसकी। क्या कर वो लोग? क्या शटर खोलेंगे? तू जा और खोल दे, सब लोग को देखने दो इसे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी जान ले लो लेकिन मेरी इज्जत मत लो। इज्जत चली गई तो कैसे जीऊंगा? इससे अच्छा मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो, मार डालो मुझे। मेरे हम खराब लड़के नहीं हैं, ये शायद अब आपको समझ में आएगा। हमें आपकी इज्जत खराब नहीं करनी। मार्केट में जो बोरियां आती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो एड्रेस लिखा रहता है, लेकिन उसे उठाने वाले हम लोगों का कोई एड्रेस नहीं है, कुछ पहचान नहीं है। हमें अपना पहचान बनाने दीजिए। आपने हमसे ये होटल छीन के हम चारों को जीते जी जान से मार दिया था गौड़ा जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फिर से जन्म हुआ है। हे दुबायाना